वेलकम बैक। मैं अमित तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, 5-स्टार क्वेश्चंस होंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखे जरूर जाते हैं। तो जल्दी चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट। बहुत अच्छे, ही गेट्स 7 रुपीज एज प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति है जो पेन को 5% लॉस पर बेच रहा है। एक व्यक्ति है जो पेन को 5% लॉस पर बेच रहा है और बुक को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, है ना। पेन को 5% लॉस पर और बुक को 15% प्रॉफिट पर बेचता है और उसे ओवरऑल 7 रुपीज एज ए प्रॉफिट मिलता है। यही तो बोला गया है, है ना। इस चीज को हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा मैथमेटिक्स में। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट, यानी कि अगर वो उसी पेन को 5% प्रॉफिट पर बेचे और बुक को 10% प्रॉफिट पर बेचे तो उसे 6 रुपए अधिक लाभ होगा। कहने का मतलब है कि पहले 7 रुपए हो रहा था, अब 6 रुपए हो रहा है। ना जी ना, अब क्या हो रहा है, अब 7 रुपए में 6 और जोड़ करके यानी कि अब 13 रुपए, 13 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। पूछा गया है द प्राइसेस ऑफ बुक एंड पेन आर, राइट। तो समझते हैं कैसे किया जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको सीखने में भी। देखिए ध्यान से, करना यह है, अ पर्सन सेल्स अ पेन एट 5% लॉस। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी हमें लॉस मेंशन करना होगा हम लोग उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, राइट। और जब भी हमें प्रॉफिट मेंशन करना होगा उसे हम लोग हमेशा प्लस से डिनोट करेंगे। इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा, बहुत अच्छी बात। अ पर्सन सेल्स अ पेन एट 5% लॉस, क्या चीज, पेन को वो 5% लॉस पर सेल कर रहा है। इसका मतलब -5% लॉस था तो हमने माइनस का साथ शो किया, और किसे, पेन को, तो पेन के लिए हमने पी इनिशियल यूज किया, राइट। आगे, अ बुक एट 15% प्रॉफिट, बुक को 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उसके लिए हमने प्लस लगाया क्योंकि प्रॉफिट है, कितना है, 15% का है, और किसे बेच रहा है बेटा, बुक को बेच रहा है, तो बुक का इनिशियल हो गया बी, इजी। और उसे ओवरऑल मिल रहा है 7 रुपए एज ए प्रॉफिट, तो यहां 7 रुपीज शो कर दिया, कुछ नहीं, है ना, बहुत आसान था। 5 रुपए का लॉस हो रहा था, 5% का लॉस हो रहा था, तो 5% को हमने माइनस में शो किया, किसके, पेन को बेचने पर, तो पी लिखा यहां पर। 15% का प्रॉफिट हो रहा था हमने प्लस 15% लिखा, किसे बेचने पर, बुक को, तो हमने लिखा यहां पर बी। ओवरऑल उसे 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने 7 को भी प्लस में यहां पर शो किया है। आगे बढ़ते हैं, इफ ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट, पेन को अगर वो 5% प्रॉफिट पर बेचे, इस बार उसने 5% प्रॉफिट पर बेच दिया तो इसलिए हमने इसको प्लस के साथ शो किया, इजी। आगे है, द बुक एट 10% प्रॉफिट, और बुक को 10% प्रॉफिट पर बेचे, बुक को 10% प्रॉफिट पर बेचे तो वैल्यू आ जाएगी उसको 6 रुपी अधिक, है ना। यानी पहले 7 था बच्चा, पहले 7 था, अब उसको 6 रुपए अधिक लाभ हो रहा है, तो कितना होगा, 13 रुपीज का लाभ होगा उसको, है ना। यहां 13 मेंशन करते हैं, इजी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे। अब हम लोग लगाएंगे बच्चा क्या, एलिमिनेशन मेथड, बचपन से सीख रखे हैं। यहां पर माइनस में है, यहां पर प्लस में है, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर। ये वैल्यू 15 प्लस और ये भी प्लस 10, दोनों ऐड हो जाएंगे, बेटा हो जाएगा आपका 25%, किसका, बी का, है ना, 25% किसका, बी का। और यहां पर ऐड होकर 7 + 13 कितना हो गया बेटा, 20, इजी। अब यहां पर ये परसेंट है ना, को परसेंट समझिएगा, ये आपका परसेंट था, ठीक है। अब क्या है बेटा, अब इसको हम लोग मेंशन करेंगे, परसेंटेज का सिंबल क्या शो करता है, परसेंटेज का सिंबल जहां कहीं भी हो याद रखिएगा हमेशा वो 1/100 को शो करता है। तो यहां पर परसेंटेज का सिंबल था तो हमने यहां पर लिख दिया 25/100 और यहां लिखा हमने बी, वैल्यू आ गई 20, इजी। 25/100 होता है 1/4, 1/4 आपका यानी कि 4 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 80। बी आ गया आपका 80, यानी कि बी यानी कि बुक, है ना, बी इनिशियल किसका था, बुक का था, तो बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी आई बेटा, बुक की कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी 80, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना है, पेन का, राइट। तो बुक की जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, बी की जगह पर रख दें, हमारा पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन क्या थी बच्चा, फिर से नोट करते हैं, यहां पर लिखा था -5% किसका, पेन का, प्लस 15% बुक का इज इक्वल टू 7। तो बी की जगह पर हम लिखते हैं 80, तो वैल्यू आएगी यहां पर हम लिखते हैं -5% क्योंकि इनका तो यूज करना नहीं हमने, प्लस 15%, तो 15% का मतलब बी के साथ लिखा है तो यहां पर हो गया बी का 80 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि -5% ऑफ पी प्लस 15 का मतलब हो गया 15/100 और किसके साथ, 80 के साथ इज इक्वल टू 7।
सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 5 20, राइट, 24 जा, यानी कि 12 आ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस 5% ऑफ पी प्लस 12 इज इक्वल टू 7, यही तो है। और यहां पर लिखते हैं माइनस 5% ऑफ पी, और ये 12 इधर जाएगा बच्चा, 12 इधर गया तो माइनस हो जाएगा वो, है ना, 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 5, राइट, माइनस ने माइनस को मार दिया, और यहां पर 5% है तो 5 अपॉन 100 हो गया, 5 ने 5 को मार दिया, यहां पर 1 आया, परसेंट का मतलब होता है बच्चा 1 अपॉन 100, और पी की वैल्यू हो जाएगी ये 100, यहां जाके पाकिस्तान जाए पहुंचेगा तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा 1 अपॉन 100, उधर गया तो 100 गया, यानी कि आपका आंसर 100। तो पी की वैल्यू कितनी आई बच्चा 100, यानी कि पेन आपका कॉस्ट प्राइस है 100 और बुक की कॉस्ट प्राइस है 80। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से करना आपने सीख रखा है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट, बहुत अच्छे, एंड अ चेयर एट 12% लॉस, एंड अर्न्स रुपीज 540 एज प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात, पिछला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही अभी भी है, बट आगे कुछ नया है शायद, देखते हैं। इफ ही सेल्स द पेन एट 12% लॉस एंड द चेयर एट 15% प्रॉफिट, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा आपने, है ना, कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, ध्यान से देखिए। ओके, तो पहले पूछते हैं, यहां पर समझते हैं, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट 12% लॉस। चलिए ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, बट अभी हमारे काम का नहीं है ये, क्योंकि हमें कुछ नया मिल चुका है जो नो प्रॉफिट और नो लॉस की बात कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, और इन्हें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 540 रुपीज का, ठीक है, अच्छी बात है। आगे है, इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस, ओके, तो यहां से कंडीशन हमारी स्टार्ट होती है, और जबरदस्त कंडीशन यहीं पर है, तो इसी को पहले मेंशन करते हैं। इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस, तो टेबल को 12% लॉस, इसका मतलब माइनस 12% है ना लॉस है, किसे, टेबल यानी कि टी से हम लोग यहां पर डिनोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे, एंड द चेयर एट 15% प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या शो करेंगे बच्चा, प्लस 15% लिखेंगे हम लोग यहां पे, प्लस 15% एज प्रॉफिट, किसे, चेयर को, तो चेयर का सी लिखा यहां पर हमने, तो इक्वल टू, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। पिछली बार क्या था बच्चा, पिछली बार कुछ रुपए अगर दिया गया है, जैसे पहले 7 था फिर 13 हुआ, तो हम लोग वो रुपीज यहां पर मेंशन कर रहे थे। इस बार नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जीरो, इक्वेशन बनाना ना हम लोग को, तो ये हो गया हमारा जीरो, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जीरो हो गया तो इस 12 को आप इधर से इधर भेज दो, है ना, तो वैल्यू हो जाएगी 15% ऑफ सी, बराबर हो जाएगा माइनस 12% इधर गया बेटा, तो हो जाएगा 12% ऑफ टी, इजी, बढ़िया। अब देखो ये परसेंटेज का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज ने परसेंटेज को मार दिया सबसे पहले, तो ये खत्म, 15C बचा 12T बचा, चलो अच्छे से इसको साफ साफ पहले लिख लें, ये हो गया हमारा 15C बराबर 12T, ओके सॉरी 15, ये 15C बराबर 12T, ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 5 जो 15, 3 4 जो 12, 3 ने इन दोनों को मारा, अब वैल्यू क्या आ गया बेटा, 5C बराबर 4T, है ना, 5C बराबर 4T। अच्छा ये बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, C अपॉन T इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, है ना, C अपॉन T इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया कि C और T का जो रेशियो है, C और T का जो रेशियो है वो 4:5 का है, C और T का जो रेशियो है वो 4:5 का, और C और T क्या है यहां पर, C और T की कॉस्ट प्राइस ही तो है, चेयर की कॉस्ट प्राइस C से डिनोट की जा रही है, और टेबल की कॉस्ट प्राइस को हम T से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ C कॉस्ट प्राइस ऑफ T का रेशियो हो चुका है 4:5, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, है ना, मजा आने वाला है, देखिए कैसे होगा। आगे है, अ मैन सेल्स, अब पहली इक्वेशन जो है उसका यूज करते हैं, तो ये हम लोग को मालूम चल चुका है, तो C और T की जो वैल्यू आने वाली है वो 4:5 में आने वाली है, तो अच्छी बात है। अच्छा क्या ये बताओ कि अभी इनका रेशियो क्या है, 4:5 है, तो क्या अब इनका रेशियो बदल गया क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैंने टेबल को 500 लिख दिया और चेयर को 400 लिख दिया, तो क्या इनके रेशियो में अभी कोई बदलाव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अभी देखो 2-0 इधर उधर मार देंगे एक दूसरे को, अगेन रेशियो आ जाएगा आपका 4:5, यानी कि लिखा जा सकता है ना अपने सुविधा अनुसार, जैसे खाना खाते हो स्वाद होता है किसके अनुसार, नमक अनुसार, नहीं सॉरी नमक होता है स्वाद अनुसार, उसी तरह से यहां पर रेशियो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार, राइट। तो सी और टी 400, ये 500, ठीक है, इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट में बोला गया है अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट, यानी कि जो व्यक्ति है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, 15% प्रॉफिट, किसको, टेबल को, टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है, टेबल को, ये है टेबल, इसकी कॉस्ट प्राइस हमने लेट की है, अज्यूम की है 500, और इसे 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो
तो 15% इसका कितना हुआ बेटा, 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे अगर तो इसका 15% मिलेगा हमको, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ 15% ऑफ 500 यानी कि 75, 15, 75, 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
15 75 हो गया, बहुत अच्छे। यहां पर जो चेयर है वो 400 के साथ है, 400 के साथ है, यानी कि उसे लॉस पर बेचा गया है चेयर को, कितने 12% लॉस पर। तो इनका 12% यानी कि -12% है ना, तो -12% कितना होगा 12 × 44, लेकिन माइनस के साथ, बात समझ में आ रही है, माइनस के साथ हमने इसको शो कर दिया। थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिख दें, बहुत अच्छे। तो ये हमने लिखा -48। ओवरऑल मुझे बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? ओवरऑल देखो, यहां पर -48, यहां पर 75, यानी कि यहां पर चेयर को बेचने पर इनको 75 रुपए का फायदा हुआ, अगर हमारा जो रेशियो है वो 500 है, अगर हमारे टेबल की जो वैल्यू है वो 500 है, और चेयर अगर 400 रुपए की है तो उस पर 12% का लॉस हो रहा है, तो वैल्यू आ रही है 48। तो ओवरऑल मुझे बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है ना, क्योंकि प्लस वाली बड़ी है, तो इसका मतलब ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? यहां पर रेशियो में जो वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो बेटा, इनके इनका सम करो ओवरऑल करने के लिए, यानी कि 75 - 48 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। ये एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है क्या? ध्यान से सोच के बताओ, ये जो 27 आया है ये क्या एक्चुअल में आ रहा है? ये एक्चुअल में नहीं है, ये तब आ रहा है जब आपने चेयर को 400 लेट किया और टेबल को 500 लेट किया, तब आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है वो 27 बन रहा है। इसका मतलब जो आपने रेशियो अज्यूम किया था उसकी वजह से ये आ रहा है, 27 रेशियो में आ रहा है, यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो 27 रेशियो में आ रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं है, ये 27 रेशियो की वजह से आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर आर लिख दिया 27 रेशियो। अब एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये मुझे बताओ, एक्चुअल में बेटा प्रॉफिट हो रहा है 540 रुपीज का। तो एक्चुअल में प्रॉफिट जो हो रहा है वो 540 रुपीज का हो रहा है, राइट, और जो रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है वो 27 रेशियो का हो रहा है। है तो दोनों प्रॉफिट ही, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वेट कर जाएंगे। तो 1 रेशियो की वैल्यू जल्दी से बता दो बच्चा मुझे, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 540 / 27, यानी कि 20 रुपीज। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 20 रुपीज। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है द प्राइसेस ऑफ टेबल एंड चेयर। तो टेबल एंड चेयर का प्राइस पूछा गया है, टेबल का एक्चुअल रेशियो हमने जो अज्यूम किया था वो कितना है, जिसकी वजह से 27 आया, ये 500 है, तो टेबल का रेशियो जो है वो 500 रेशियो है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 500 रेशियो की वैल्यू, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू बेटा अगर 20 है तो इसका 20 गुना कर देंगे, है ना, यानी कि 500 का 20 गुना कर दीजिए, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000। चेक कर लो 5 × 10 और 000, बिल्कुल करेक्ट है ना, यानी कि टेबल की कॉस्ट आ चुकी है हमारे पास 10,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। चेयर का रेशियो कितना है? चेयर का रेशियो है बेटा, चेयर का रेशियो है 400, चेयर का रेशियो है 400, है ना, यहां से देखो चेयर का रेशियो है 400। अब हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 20, यानी कि 400 रेशियो, यानी कि 400 गुना कर दो 20 का, या फिर कहा जाए 400 का 20 गुना कर दो, कहने का मतलब है ओवरऑल 400 को 20 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 20 है तो 400 रेशियो की वैल्यू 400 × 20, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4 × 8 और 000। कैसा रहा क्वेश्चन? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, 5-स्टार क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी जो आप बेसिक अप्रोच लगाओगे उसमें काफी कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना, तो ये जबरदस्त अप्रोच है, इस मेथड के थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चन को विदिन 15 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। ये तो मुझे बताने में समय लगा आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना, तो कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चन को करने की, और लगातार बहुत सारे क्वेश्चन करिए। अगर बच्चा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आए, ऐसी अप्रोचेज आपको और चाहिए, तो Adda247 के वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट, थैंक यू सो मच।